दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूं। सत्पात्र में श्रद्धापूर्वक किए गए अर्थ का प्रतिपादन दान कहलाता है, ऐसा दान धर्मविद जनों का कहना है। ये दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वो न्यायपूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा प्रतिग्रह, ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति है। उनके लिए कुसिद अर्थात सुदखोरी, कृषिकर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। ये नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल इन चार प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकारी भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वो नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान दिया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवित जनों को सद्वृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वो विमल दान है। ये दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या यव गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेदवित ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमिदान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा। ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वो सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे ये कहलवाता है या स्वयं कहता है, प्रियताम धर्मराजेति यथा मनसि वर्तते, ऐसा कहने पर उसके जन्मभर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृगचर्म में रखकर ब्राह्मण को देता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास से धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वो अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करें और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराएं। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजनादि के द्वारा संतुष्ट करें। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्र देव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मवर्ज सखी कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करें। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करें। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक अर्थात गणेश का पूजन करें। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करें। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि की पूजा करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्णदान से दीर्घ आयु, गृहदान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती है। अंडूह अर्थात बैल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्यलोक प्राप्त होता है। यान और शैया का दान करने पर भार्या तथा भयार्थ को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अर्थात अविनाशी सुख तथा वेद के दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति
तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण तापने वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धारी वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त असिपत्रवन नाम के नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविषुवत काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क, मेष, मकरादि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान परलोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वो पापी तिर्यक अर्थात पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन्न ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है, वो ब्रह्महत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। प्रायश्चित निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधि को भली प्रकार कह रहा हूं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्महंता, मदिरापान करने में नीरत मद्यपी, चोरी करने वाला स्तेई तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरुतल्पगामी अर्थात गुरुपत्नीगामी, ये चार महापातकी हैं। इन सभी का संसर्ग करने वाला पांचवा महापातकी है। गोहत्यादि जो अन्य पाप होते हैं वो उपपातक हैं, ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रह्महत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए, जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग, ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्म हत्या दोष के निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं, उनको करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण को अन्नदान करना अनिवार्य है। अश्वमेघ यज्ञ के अंत में होने वाले अवभृत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदविद ब्राह्मण को सर्वस्व दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना, इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रख करके प्रतिदिन 3 कालों में स्नान करके भी द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतु बंध रामेश्वरम अर्थात कपाल मोचन तीर्थ या वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। मद्यपि द्विज अग्निवर्ण के सदृश अर्थात अंतःकरण को जला देने वाली खौलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गोमूत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मुसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है, अथवा जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्यानाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरुपत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लौह निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चांद्रायण व्रत करने से भी गुरुपत्नी गमन जनित पाप से मुक्ति हो जाती है। जो द्विज पतित जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए, अथवा वो आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर पर्यंत तप्त कृच्छ व्रत का अनुपालन करें। विधिवत किया गया सर्वस्व दान सभी पापों को दूर करने वाला होता है, अथवा विधिवत चांद्रायण व्रत तथा अतिकृच्छ व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है।
गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का नाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन प्रदान कराता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयत चित्त से पवित्र नदी में स्नान करके ओमकार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल तथा सर्वभूतक्षय इन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलाज्जलियों से तर्पण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्य देव की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य, चंद्र ग्रहण आदि समयों में मंत्र का जाप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन, ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देहावसान के बाद पति का वियोग असह्य होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है, तो ब्रह्म हत्या, कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में दत्तचित्त रहती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वो वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्रीराम की पत्नी जगत विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही थी। उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। ये यतव्रत संयत चित्त होकर विविध शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही ये बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है। नवनिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और शंख नाम की अष्ट निधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूं। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वो सुवर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड्ग, बाण एवं कुंत आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वो नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादि का आहरण करने के लिए वो शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वो न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वो किसी को कुछ देता है। वो एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। वो भोगों को उपभोग करते हुए गायक और वेश्या आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वो स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वो अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वो वस्त्र, धान्यादि का संग्रह तथा तड़ागादि का निर्माण करता है। उसके द्वारा आम्रादि के उद्यान भी लगवाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है,
किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वो स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वो किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वो व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र अर्थात मिलीजुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। अब हरि ने भुवन कोशादि का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही मैं कर रहा हूं। भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। श्री हरि ने कहा, राजा प्रियव्रत के आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, शबल, पुत्र और ज्योतिष्मान नाम के 10 पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से मेधा, अग्निबाहु तथा पुन्न नाम के 3 पुत्र योगपरायण, जातिस्मर तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की, अतः राजा ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों में विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जलराशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर अवस्थित अतः जल के ऊपर स्थित है। हे शिव, जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नामक ये 7 द्वीप हैं, जो 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल के सागर रूप में प्रसिद्ध हैं। हे वृषभध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम से एक दूसरे से द्विगुण परिणाम में अवस्थित हैं। जम्बूद्वीप में मेरु नामक पर्वत है, जो 1,00,000 योजन के परिमाण में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधोभाग पृथ्वी में 16,000 योजन घुसा हुआ है और शिखर देश 32,000 योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है, वो भी 16,000 योजन के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हिमकूट तथा